Hello guys, I am Siddhi and I welcome you all to our YouTube channel, The Legal Thoughts. इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो थी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर और हमारी ये वीडियो है डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पर. तो आइए शुरू करते हैं. अगर आपको इस टॉपिक के या लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट लीगल पाठशाला को रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. अ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इजीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, साइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं बिना उसकी साइज, शेप, क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज किए. मतलब समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉपर्टी है, अगर हमने उसको इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर दिया और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आए तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है. मूवेबल प्रॉपर्टी इज वन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द ह्यूमन एफर्ट्स. कि सिर्फ बेसिक ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर अगर हम एक प्रॉपर्टी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के. और हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है. बैनियन ट्री. अब बैनियन ट्री को हम इजीली मूव नहीं कर सकते एक प्लेस पर दूसरी प्लेस पर अपने सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स लगाकर, लेकिन फिर भी बैनियन ट्री हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. क्यों? क्योंकि उसको प्लांट ही इस इंटेंशन से किया जाता है कि उसको फ्यूचर में कट किया जाएगा और उसकी वुड को सेल किया जाएगा. अ कॉन्ट्रैक्ट डन फॉर कटिंग द बैम्बू फॉर द कलेक्शन ऑफ लीव्स कम अंडर द मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बैम्बूज को कट करने का या लीव्स को कलेक्ट करने का, वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. There is no need for the movable property to be registered under Indian Registration Act 1908. It is completely voluntary. कि movable property को register करवाने की कोई need नहीं होती under Indian Registration Act. ये completely voluntary process है. Voluntary मतलब कि हमारी wish है कि हम उसे करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते. Movable property is subject to sales tax and central sales tax and it is also subject to certain restrictions and conditions under tax act and the central sales tax 1956. Movable property जो है वो एक subject है sales tax और central sales tax का, और इन दोनों act के अंदर ही movable property पर कुछ restrictions और conditions भी लगाई गई है. A mere delivery just to transfer that particular movable property completes the transfer. अगर सिर्फ डिलीवरी हो जाए बायर को प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उस प्लेस पर हमारा ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा. अब हम देखते हैं व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टेंड और एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ. जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 के अकॉर्डिंग हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है हमारी लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड और जो चीज़ें अर्थ से अटैच हैं. मतलब हमारी लैंड जो और जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं लैंड से और जो भी चीज़ें अर्थ से अटैच हैं वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी. अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलायंस, राइट ऑफ वे, लाइट, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लैंड हमारे को हमारे जो बेनिफिट्स हमें लैंड से मिल रहे हैं और जो भी चीज़ें अटैच हैं अर्थ से वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी. बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस. पर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस हमारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती. सेक्शन 3 पैरा 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं होती. और जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. तो अभी हमने तीन डेफिनेशंस पढ़ी, अगर हम उन तीनों को मर्ज करें तो हमारी एक डेफिनेशन निकल के आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास.
कि मूल प्रॉपर्टी हमारी लैंड होती है, बेनिफिट्स जो आ रहे हैं हमें लैंड से और जो चीज़ें अर्थ से अटैच्ड हैं वो हमारी मूल प्रॉपर्टी होती है, पर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस हमारी कभी भी मूल प्रॉपर्टी नहीं होती। अब हम कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा लैंड। को एनी नेचुरल थिंग विच इज इनसाइड और अबव द लैंड विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लैंड। अगर कोई चीज लैंड के अंदर है या लैंड के ऊपर है वो हमारी लैंड का पार्ट माना जाएगा उसको, और हमारी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक, पॉन्ड या कोई भी कंस्ट्रक्शन की गई है लैंड के ऊपर, कोई बिल्डिंग बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है, वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी हमें लैंड से बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेंट हो गया, राइट टू वे, राइट टू कलेक्ट प्रॉफिट, राइट ऑफ फिशरीज, राइट ऑफ लाइट, ये सारे हमें बेनिफिट्स लैंड से होते हैं, तो ये सारे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन द एक्सप्रेशन अटैच टू अर्थ एज इंक्लूडेड। कि सेक्शन 3 जो है वो हमारा डिफाइन करता है थिंग्स अटैच टू अर्थ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ इंक्लूड ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज और श्रब्स जो होते हैं हमारे वो अर्थ के अंदर रूटेड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस हमारे कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माने जाते। नाउ वेदर द ट्रीज आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल और मूवेबल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो पर्टिकुलर ट्री है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ डिपेंड करती है उस केस के सर्कमस्टांसेस पर। For instance, if the intention for the plantation of trees was for the enjoyment of their food, then such a tree is an immovable property. अगर ट्री को प्लांट करने का इंटेंशन या पर्पस ये था कि सिर्फ उसके फ्रूट्स खाने, ठीक है, उसके फ्रूट्स तोड़ने, तो वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इस केस में ट्री को कोई हार्म नहीं हो रहा या ट्री को कोई परमानेंटली रिमूव नहीं किया जा रहा, इस केस में बस उसके फ्रूट्स ले रहे हैं जो दोबारा से आ जाएंगे ट्री के ऊपर। बट इफ द इंटेंशन इज टू कट द ट्री सूनर और लेटर टू यूज इट्स वुड फॉर बिल्डिंग और अनदर इंडस्ट्रियल पर्पस, देन दे विल बी ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। पर अगर ट्री को प्लांट करने का इंटेंशन ही यही है कि उसको बाद में काट दिया जाएगा और उसकी वुड को या टिम्बर को यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, तो वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे शीशम, बबूल, नीम और ऐसे और बहुत ट्रीज हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। दिस इंक्लूड थिंग्स लाइक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। अब थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ में हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे हाउसेज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन प्लांट्स और ऐसे बहुत सारी चीजें जो अर्थ पर एम्बेडेड है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विच इज एम्बेडेड टू द अर्थ इज इमूवेबल। पर ये चीज जरूरी नहीं है कि जो हर एक प्रॉपर्टी अर्थ के ऊपर एम्बेडेड है वो इमूवेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शिप एंकर, इट इज एम्बेडेड इन द लैंड टू होल्ड द शिप और शोवल एज इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज इंसर्टेड इन टू द मड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बट इफ द एंकर इज स्टॉपिंग समथिंग टू मूव देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक शिप एंकर होता है जो शिप को होल्ड करके रखने के लिए, रोक कर रखने के लिए पोर्ट पर लगाया जाता है, ठीक है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि थोड़ी देर के लिए उसको शिप को एक प्लेस पर होल्ड करके रोक कर रखने के लिए वो शिप एंकर लगाया जाता है मिट्टी में। तो ये हमारा एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर हमने उस शिप एंकर को रिमूव भी किया तो उससे लैंड को कोई हार्म नहीं होगा, अर्थ को कोई हार्म नहीं होगा। Next is things attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. Thus the doors and windows of a house are attached to the house for the permanent beneficial enjoyment of the house. But if the attachment is not indented to permanent, the things attached are not immovable. Agar jo cheeze attached hai, basically फॉर एग्जाम्पल ले लो कि जैसे हाउसेज है, हाउसेज में हमारे जो गेट्स और विंडोज होते हैं ना वो होते हैं हमारे थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। बिल्डिंग हाउस हमारा एम्बेडेड प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हमारी गेट्स, विंडोज, फैंस, कर्टेंस, ये सारी हमारी चीजें अटैच्ड हैं, ठीक है। अगर डोर्स और विंडोज
को परमानेंट बेनिफिशियल यूज के लिए लगाया गया है, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको लगाया गया है, तो वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, विंडो ब्लाइंड्स हो गए, कर्टेन्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर घरों में जो हम परमानेंटली नहीं लगाते, मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, या फिर हम उसे अगर किसी और प्लेस पर शिफ्ट करेंगे तो हम उनको अपने साथ ले जाएंगे, तो ये होते हैं हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज चैटल अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग। मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ और बिल्डिंग इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थ या बिल्डिंग से अटैच्ड होती है वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए, हमारे जो अलमीरा में क्लोथ्स होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। जो मेन फीचर है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि जो पर्टिकुलर चैटल है वो हमारी मूवेबल है या इमूवेबल है, ये हम पता लगाते हैं डिग्री से, मैनर से, एक्सटेंट से और स्ट्रेंथ ऑफ अटैचमेंट से। अब ये चार पॉइंट्स मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रासेस इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं होते। फर्स्ट इज स्टैंडिंग टिम्बर। इसमें हमारे बबूल, शीशम, नीम, पीपल, बैनियन ट्री और बहुत सारे ट्रीज आते हैं। ये कैसे पता लगाया जाए कि एक पर्टिकुलर ट्री या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं। बट ट्रीज लाइक मैंगो, माहिरा, जैक फ्रूट, जामुन एटसेट्रा कैन बी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, डिपेंड्स अपॉन इफ द इंटेंशन इज टू कट देम सूनर और लेटर, टू यूटिलाइज देम एज टिम्बर, नॉट टू यूज देम फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ देयर फूड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि अगर प्लांट को या फिर ट्री को प्लांट करने का पर्पस ही यही था कि उस फ्यूचर में उसको काट दिया जाएगा और उसकी वुड को यूज किया जाएगा, उसके टिम्बर को यूज किया जाएगा किसी और पर्पस के लिए, तो वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर प्लांट करने का पर्पस ये है कि उसके फ्रूट्स एंजॉय करने हैं या फिर कोई और पर्पस है, उसको काटना नहीं है, तो वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक क्रीपर्स इंक्लूडिंग पान, अंगूर एटसेट्रा, दीज क्रॉप्स डू नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बियॉन्ड देयर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि जैसे गेहूं होता है, ठीक है, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा आटा जो हमारे घर में जिससे चपातीज बनती हैं। ठीक है, अब उस गेहूं को उगाया जाता है पर उस गेहूं की कोई इंडिपेंडेंट, उस वीट की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसका अगर फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या है, हमारा आटा, क्योंकि एंड में उसको उगाया ही इसलिए जा रहा है, उसको ग्रो ही इसलिए किया जा रहा है कि वो हमारे घर में ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा। नेक्स्ट इज ग्रासेस। इट कैन बी यूज एज फॉर्डर एंड नॉट अदर यूज इज पॉसिबल। अब ग्रासेस का सिर्फ एक ही यूज होता है, चराने के लिए, मतलब बेसिकली हमारे गाय, बकरियों, इन सबको चराने के लिए ग्रासेस यूज होती हैं। देयर फोर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कट ग्रास विल बी इंटरेस्ट इन चैटल, सो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ग्रास कट करने का, तो वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। अब हम दो मेन कंडीशंस देख लेते हैं जिससे पता लगे कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इमूवेबल है या मूवेबल है। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ एनेक्सेशन। इट मींस दैट व्हेन द रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी एनेक्स्ड और एम्बेडेड विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द अर्थ। कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लैंड से रिमूव करी जा रही है जो लैंड में एम्बेडेड है, अगर वो लैंड को कोई हार्म पहुंचाएगी तो वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके रिमूवल पे। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी के रिमूवल पे लैंड को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था हमारा शिप एंकर, उसको हम रिमूव कर देते हैं, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मड में लगाया जाता है शिप को होल्ड करके रखने के लिए, जब उसको रिमूव कर देते हैं वो लैंड को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, इसलिए वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सीड्स इन द गार्डन आर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ड्यूरिंग देयर रिमूवल इट विल कॉज हार्म टू द लैंड। जैसे गार्डन में जो सीड्स होती हैं वो काफी एक्सटेंट तक, काफी अंदर तक वो फिक्स होती हैं लैंड में, तो इसीलिए अगर हमने उनको गार्डन में से रिमूव किया तो वो फॉर श्योर गार्डन की लैंड को
हार्म करेंगी, इसीलिए वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी इज फॉर द यूसेज ऑफ अ लॉन्ग पीरियड, मतलब कि जो पर्पस है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उस प्लेस पर लगाने के लिए, वो ये है कि उसको लॉन्ग पीरियड के लिए हमें यूज करना है वहां पर, तो वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बोल्ट्स यूज टू टाइटन एनी ऑब्जेक्ट इन द हाउस, इट विल बी कंसिडर्ड बींग एज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज हियर द इंटेंशन इज टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे जो डोर्स में, विंडोज में जो हमारे बोल्ट्स लगते हैं, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मतलब अगर हम वो घर छोड़ कर जाएँ तो हम अपने साथ वो बोल्ट्स निकाल कर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जब तक वो घर रहेगा वो बोल्ट्स वहाँ पर रहेंगे, तो ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। अब हम केस लॉस देख लेते हैं। फर्स्ट इज शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट रियल इंटेंशन विल बी कंसिडर एज टू फॉर व्हाट पर्पस वाज द ट्री प्लांटेड। कि केस को, किसी भी केस को डिसाइड करते वक्त ये देखा, ट्री को प्लांट करने की रियल इंटेंशन देखी जाती है, किस इंटेंशन से वो ट्री प्लांट किया गया था। अगर इंटेंशन थी उसके सिर्फ फ्रूट्स एंजॉय करने की, तो वो ट्री हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन थी उसको कट करने की फ्यूचर में और उसकी वुड को यूज करने की, तो वो ट्री हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। एंटरिंग इन टू द लैंड एंड कटिंग ट्रीज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड के अंदर एंटर करना और ट्रीज को काटना हमारा किस कैटेगरी में आता है? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, कि हमें वो लैंड से बेनिफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कपूर कंस्ट्रक्शन वर्सेज लीला नागराज एंड अदर्स, AIR 2005। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल। कि कोर्ट के पास कोई केस आता है और उसमें अगर कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, तो कोर्ट उसमें कुछ फैक्टर्स देखेगा। फर्स्ट इज इंटेंशन। इंटेंशन बेसिकली कि किस इंटेंशन से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगाई गई थी। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाई गई थी तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाई गई थी तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मोड ऑफ एनेक्सेशन। मोड ऑफ एनेक्सेशन होता है कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को लगाया गया था। एंड लास्ट वन इज डिग्री ऑफ एनेक्सेशन। ये मैं आपको बता चुकी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शिप एंकर और सीट्स जो होती है गार्डन में, तो शिप एंकर जो होता है हमारा वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, सिर्फ शिप को होल्ड करने के लिए, और सीट्स जो होती हैं वो वहां पर लोगों के बैठने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। लास्ट केसेस बैजनाथ वर्सेस रामधन एंड AIR 1963। द केस वॉज डिसाइडेड बाय अलाहाबाद हाई कोर्ट। अलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डिसाइड हुआ था और इस केस में लार्जर बेंच बैठी थी। The question arises whether standing shisham or neem trees are standing timber within the meaning of section 2 sub clause 6 of the act। इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या स्टैंडिंग शीशम और नीम ट्रीज हमारे स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द प्राइम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द इंटेंशन। कोर्ट ने बोला था कि हम प्राइम इम्पोर्टेंस जो देते हैं कि किसी भी केस को डिसाइड करते वक्त, वो हम देते हैं इंटेंशन को, कि इस ऑब्जेक्ट को लगाने की इंटेंशन क्या थी, पर्पस क्या था। एंड दैट द ट्री इन क्वेश्चन वाज मेंट टू बी डेल्ट विद द पार्टीज जस्ट टू कट ऑफ और टू यूज इट एज स्टैंडिंग टिम्बर एंड नॉट मेयरली एज अ ट्री। कि अगर इंटेंशन थी कि उस ट्री को कट कर दिया जाएगा फ्यूचर में, तो वो हमारा मूवेबल इमूवेबल, हाँ, अगर ट्री को कट कर दिया जाएगा फ्यूचर में, तो वह हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। आई होप मैंने आज आपको जितना समझाया है वो आपको अच्छे समझ आ गया हो। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।